السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين وسامعين तफसीर रब्बुलमीन के कलाम की जो आपके सामने तसलसल के साथ जारी वसारी है उसके इस दर्स में ख़ास तौर पर मैं गुज्त जो आयात पड़ी गई गुज्त दर्स के अंदर उन आयात का खुलासा यानी एटी थ्री एटी फोर एटी फाइव एटी सिक्स इन चार आयतों का सूरह बकरा के इन चार आयतों का खुलासा इस दर्स में मैं पेश करने की कोशिश करूँगा इसी वास्ते मैंने मुकम्मल तिलावत नहीं की और मुकम्मल तर्जुमा नहीं किया क्योंकि ये इससे पहले जो आया था उस एपिसोड में हमने देख लिया अल्लाह तबारक आयत नंबर 83 फरमा रहा है कि हमने मीसाख लिया था बनी इसराइल से अहद लिया था इस बात पर नंबर एक ला के साथ किसी की इबादत नहीं करोगे तो मरासी में अबूदियत जितने भी हैं सब हराम है किसी के लिए नहीं हमारे लिए भी वही उसूल है जो कि यहाँ बनी इसराइल से ख़िताब करके फरमाया सूर्य इसरा फरमाया वह का अल्लाह अल्लाह ने फैसला कर दिया है कवा का यहाँ मतलब मुफसरिन के अमारा रबुक अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं किसी की इबादत नहीं की जाएगी कबार रबुक अल्लाह ताबुदाला सिवाय अल्लाह के कोई इबादत नहीं किसी की इबादत इस पर हमारा मजमून ही अलग है इस्लामिया, जिस पर हम मुसलसल गुफ्तु कर रहे हैं इस वास्ते मैं यहाँ पर इसकी मुकम्मल शरह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग से दर्स आ रहा है जिसका मजमून इस्लामिया है मैं इस बात को यहाँ तक रख के आगे चलता हूँ फरमाया वालिदेन एहसान आहद के एहसान करो वालदे के साथ अच्छा सलूक करो यहां बनी इसराइल से किताब है लेकिन हमारे लिए क्या आया यही आया यही मजमून हमसे भी अदा हुआ है हमको देखना है कि हम कितने पानी में हैं वालिदैन की कितनी खिदमत करते हैं कितना हुस्न सुलूक करते हैं कितनी अजियत देते हैं वालिदैन आपसे खुश हैं या आपसे नाराज हैं वालिदैन को आपने कुछ दिया है या सब लिया ही है ये देखना है क्योंकि हमको भी यही किताब वही इस तरह की आयत जहां पर मैंने बयान किया था फरमाया वक़ल्ला रब्बुक अल्लाह तअबुदु इल्ला इयाह वबिल वालिदैन ihsana देखो वालिदैन के साथ हुस्नुल सुलूक करो हाँ, इसी तरह अनआम में फरमाया क़ुल्ता आलु अतलुमा हर्म रब्बुकुमा अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शयऔ वबिल वालिदैन ihsana वालिदैन के साथ हुस्नुल सुलूक करो सुरमान में फरमाया बब इंसान अभी हमने वसीयत की है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो अनकबूत में है इसी तरह भी ही एहसान अहकाफ में है हुसना, सात जगह लतारा को व हमें फरमाया है हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ हंसने सलूक करो तो अब हमको जज करना चाहिए हमको अपने आप पर मुंतब करके सोचना चाहिए कि हम कहां हैं वालदेन के साथ किस हद तक करो किस हद तक करो फरमाया कि अगर मुशरिका है काफिरा हैं या काफिर है मुशरिक है ऐसे मां बाप के साथ भी दुनिया के अंदर का जो ताल्लुक जो खिदमत है वो करो हाँ। उससे रोका नहीं गया दीन का जो ताल्लुक है उनकी बात ना मानो फला तो हमा लेकिन वह साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा दीन में उनके शिरकिया बातों को हरगिज़ भी ना मानो लेकिन उनके साथ अच्छे तरीके से रहो और उनको उनका हक जो दुनिया का है वो दो खा वो काफिरी क्यों ना हो काफिर माँ बाप के लिए ये हुक्म है तो अब अंदाजा कर लो जो मुसलमान माँ बाप हैं तुम्हें खिलाया पिलाया बढ़ाया और तुम्हारे साथ अच्छा किया और तुमको क्या है काबिल बनाया चलने फिरने और अपनी जिंदगी गुजारने का तो उन माँ बाप के साथ तुम क्या है बुरा सलूक कर सकते हो अगर कोई करता है तो वह कितना बड़ा बदबकत है याद रखिए यह बहुत बड़ा गुना है वालद इनके साथ बस सुलूकी करना हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के रसूल मैं अपना सबसे बेहतरीन सलूक हसन सुलूक का सबसे बेहतरीन हकदार किसको समझूं किससे करूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम तेरी माँ से साहबी ने पूछा मन, फिर कौन कहा के उमुख साहबी ने फिर पूछा फिर मन, फिर कौन कहा के उमुख साहबी ने पूछा फिर कौन कहा के अबूक कर गोया के तीन मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की कि खिदमत माँ की माँ की माँ की, मा की हंड्रेड परसेंट खिदमत के हिस्से में सेवेंटी फाइव परसेंट हिस्सा माँ का पच्चीस पर बाप को इक्तफा करना पड़ेगा लेकिन दोनों की अहमियत बराबर है खिदमत के मामले में ज्यादा इस वास्ते के हमलत हो उम हो वहन अला वहन व फिसन इस वास्ते कि उसकी मां ने उसे तकलीफ पर तकलीफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और तीस महीने लग गए उसको दूध छुड़ाने के लिए और फी आमिन दो साल दो साल का अरसा लगता है कम से कम दूध छुड़ाने के लिए तो याद रखिए इस वास्ते अहमियत उसकी ज्यादा है लेकिन हक के एतबार से दोनों का दर्जा बहुत बुलंद है हती के एक बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा के जब ये छोटा था हम भूखे रहते थे इसको खिलाते थे अल्लाह के रसूल हम दरअसल क्या है ठंड की वजह से कपड़े हमारे पास नहीं थे लेकिन इसको हम क्या है? पहनाते थे अल्लाह के रसूल लेकिन आज ये हमारे लिए बस सुलूकी करता है आज मैं कुछ पैसा मांगू तो पैसा नहीं देता मुझे तो अल्लाह के रसूल वसल्लम को उस बाप पर इतना रहम आया कि कहा के बेटे को बुलाओ जब वो आए तो कहा कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है दे दे उनको वो जो चाहे खर्चा करे तेरे पैसे में से तू पूछने का हकदार नहीं है इस हक तक दर्जा बढ़ाया तो मां बाप की बड़ी अहमियत है इस्लाम में और कोई सच्चा पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता वो जो मां बाप के खिलाफ हो या माँ बाप की बेइज्जती करता हो या माँ बाप के हकूक अदा नहीं करता वो कभी सच्चा पक्का मुसलमान नहीं हो सकता सही मुसलमान हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद फरमाया वजील कुरबा, खराबतदारों रिश्तेदारों के हकूक उनके साथ अच्छा सलूक खराबतदार रिश्तेदार सबसे पहले कौन है रहम के हैं खून के हैं भाई बहन ये रिश्तेदार है फिर दूसरे स्टेप में मुसाहरती रिश्तेदार शादी हो कायम होने के बाद जो बनते हैं वो भी एक रिश्तेदारी है उनसे भी सलूक आज रिश्तेदारियां पामाल हो रही है यह हक बनता है हर मुसलमान पर यही बनी इसराइल को भी अल्लाह ने क्या है अहद लिया था फिर फरमाया कि यतीम यतामा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम तो इतना बढ़ाया इस हक को कि फरमाया कि व यतीम हाकजा यतीम की किफालत करने वाला और मैं जन्नत में यूं होंगे यानी उनका दर्जा अल्लाह के रसूल का जन्नत का दर्जा कोई अंदाजा कर सकता है वो दर्जा यतीमों की किफालत करने वाले को भी मिलेगा तो यतीमों को धक्के ना दो हकीर ना समझो ये तुम्हारे माल के मुस्तक हैं तुम्हारे तवज्जा के मुस्त हैं कुछ नहीं कर सकते तो उन पर क्या है मोहब्बत से हाथ फेरो उन्हें हौसला दो उन्हें हकीर ना जानो यतीमों के बड़े हकूक हैं और जो कोई उन यतीमों का माल खा जाता है याद रखिए अल्लाह तबाराया किन गुलीबो तो नारा जो लोग यतीमों को उसका हक नहीं देते और उनका माल कोई पूछने वाला नहीं है कोई बाप नहीं है बोल के खा जाते हैं जुलमन वो अपने पेटों में आग भरते हैं आग यानी एक तो हकीकतन भी आग ही बढ़ते हैं कल कियामत के दिन इनके पेटों में आग डाली जाएगी नमाया कुलोना फीबो तो नहीं नारा फिर इसके बाद फरमाया कि मसाकीन यानी वो तंग लोग जो मेहनत करते हैं मजदूरी करते हैं लेकिन उनके पूरे जिम्मेदारियां पूरे नहीं होती हुई। उनका घर नहीं चलता ढूंढ ढूंढ के दो फकीर तो है ना जी जो लिपट के मांग ले पीछे पड़ जाए उसका धंधा ही है उस वास्ते मांगने में उसे कोई तरद भी नहीं होता लेकिन मिस्किन की हालत बहुत अहम होती है मांगने में जुबान नहीं उठती सफीद पोश है अपना ब्रह्म रखना है कैसे मांगेगा अब ढूंढो देखो कौन है वो उसको दो यही बात हमको भी कही गई मनीष राय और फरमाएसना बात अच्छी करो असलाफ से रिवायत मनकूल है कि कुलू हुसना से हस्ना में सबसे पहली बात अम्र बिलमारूफ नहीं है। कराता है बुराई से रोको अच्छाई का हुक्म दो ये कोल्ला से हस्ना है आज हम समझते हैं अच्छी बात का मतलब यह है कि खाली मीठे मीठे बातें करके आ जाना उन्हें क्या गलती करता है? नहीं अमर बिलमूफ नहीं अनिल मुनकर भी असल में क्या है इन्ना से हंसना है और सलाम भी इन्ना से हंसना है सलाम करो देख के सलाम करना ये भी क्या है अच्छे तरीके से बात करना है अत्ता के पास असलाफ ने यहां तक कहा है कि कुछ नहीं दे सकते तुम उनको मुस्कुराना भी कोलुल्ला से हंसना है मुस्कुरा के मिलो मुस्कराने में तुम्हारे दांत क्या नहीं झड़ते तुम्हारे दाँत नहीं झड़ जाते तुम्हें तकलीफ नहीं होती सूरत ऐश रख क्या है सलामकुम ये बोलने के बजाय मुस्कराते हुए वालेकुम बोल सकते हो ये भी क्या है, हैसन सलूक है फिर फरमाया वाकी मुसलाह नमाज कायम का इतने हकूक़ बता के अब बता रहा है ल तबारको वाली अपना हक़ ताकि अहमियत मालूम हो जाए और फरमाया कायम करो नमाज को और ज़क़़त को अदा करो यही हुक्म हमारे लिए भी है हमारे लिए भी नमाज और जकवात कायम करने का ही हुक्म हुआ वाकई मुसला व तो जक़ा हम पहले भी पढ़ चुके हैं फिर फरमाया तुम मतबलई तुम अली लेकिन तुमने किया क्या तुमने ये किया कि फिर गए इन बातों से नाफरमानी करने लगे और तुम्हारा हाल क्या था यही वन तुम मोरदून जब भी तुम्हारे लिए कुछ कहा जाता तुम या करते थे तुम पलट के बहाते थे अल्लाह तबारक को वाल के आयात और उसके अहकाम पर अमल करने का मंशा था ही नहीं तुम्हारे पास ये कह के, के हम ही दरअसल याद दिलाया जा रहा है कि ऐसे ना बनो तुम्हारे अंदर यह किरदार है तो इस किरदार से फौरी तौर पर तब्दील हो जाओ अपने अंदर इनकलाब लाओ फिर इसके बाद वह वाक्य वो बात आ गई जिसमें अहम तरीन सबक है कि तुमसे मैंने अहद लिया था कि कत्ल ना करोगे एक दूसरे को घरों को नहीं निकालोगे किसी को लेकिन इमने इकरार किया और गवाह भी रहे लेकिन बाद में अल्लाह कहता है कि तुमने दोनों भी किया और जब कैदी बन के आते थे तो रख लेते थे अब इसकी ज़रा तफसील सुन लीजिए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए थे मैं पहले भी बयान किया था कि मदीने में यहूदी भी थे और अहले मदीना भी थे यहूदियों के अलावा जो मदीने के सिटीज़न जब बाशिंदे थे वो दो कबीले में थे दो कबाइल उनके थे बड़े और दो कबीलों में बटे हुए थे एक का नाम औस था एक का नाम खजरज था कुल मदीने की आबादी इन दो कबीलों में थी बकिया जो लोग थे जो यहूदी उनके भी तीन कबाइल थे बनु नजीर बनो किनका बनु क्रैला ये तीन कबाइल यहूदियों के थे और यहूदी जो नहीं है आम बाशिंदे जो है मदीने के वो दो कबाइल हैं जिनका नाम औस और खजरज है अब क्या होता था अल्लाह के रसूल वसल्लम के आने से पहले ये जो औस और खजरज हैं आपस में शदीद दुश्मनी रखते थे शदीद लड़ाइयां होती थी इनके दरमियान और हमेशा लड़ते रहते थे हालांकि ये दोनों ऊपर जाकर कजिन्स ब्रदर्स में तब्दील हो जाते थे लेकिन था वही कजिन्स मामला इस वास्ते दोनों के अंदर लड़ाइयां होती रहती थी अब उस हैसियत से यहूदियों के तीन कबीले भी इनके दोस्त बने थे कोई बनु कुरैजा और बनो नज़ीर बनो किनका इन तीनों में अवस खजरज इन दोनों के अंदर दोस्ती होनी थी तो इसमें रिवायतों में आता है कि बनो नज़ीर और बनो किनका ये खजरज के दोस्त बन गए और बनो कुरैजा अवस के दोस्त बन गए इस तरह ये दो कबीले और वो तीन कबीले पाँच तो एक तरफ क्या हो गए तीन हो गए एक तरफ दो हो गए तो अब इनके दरमियान अवस और खजरज के दरमियान लड़ाई होती तो जो इनके दोस्त हैं उनको भी साथ में मिलके लड़ना पड़ता अब खजरज के दोस्त कबीरे दो थे जो बनू नज़ीर थे और बनु थे और इधर नवस के जो दोस्त थे वो कुरैजा थे तो अब जब अवस और खजरज लड़ते तो ये यहूदी जो बटे हुए थे दो कबीले एक तरफ एक कबीला एक तरफ वो भी उनके साथ मिलके लड़ते अब लड़ाई जब होती तो जो उनके साइड का यहूदी और इनके साइड का यहूदी होता उनके दरमियान भी लड़ाई होती क्योंकि दो दो कबीले के दोस्त हैं ना तो उनके दरमियान भी लड़ाई होती तो अब ये जब लड़ाई होती तो उस वक्त उनके साथ मिलकर ये लोग अपने ही यहूदियों को मारते भी थे और घर से निकालते भी थे लेकिन जब जंग बंद हो जाती है और कैदी बन के जब यहूदी आते तो उस वक्त ये कह के अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि कैदियों को छुड़ा लो यहूदी कैदियों को न रखो इस वास्ते उन्होंने क्या किया पैसा देकर उसको छुड़ा लेते थे हालांकि साथ में मिलकर जब लड़े जब कत्ल किए जब घर से बाहर किए वही हराम था वो हराम करते वक्त कुछ बात नहीं कुछ रोक टोक नहीं लेकिन जब कैदी बन के आए ये आसान था मामला के पैसा दे के छिड़ा लें तो वो कर लेते थे तो अल्लाह इस वाक्य को याद दिलाते हुए कहता है कि बदबकतो ये क्या चीज़ है ये क्या हाल बना रखा है कि अल्लाह की आयतों में अल्लाह की किताब में बास को तो तुम ईमान लाते हो कबूल करते हो और बास का इनकार कर देते हो फो मीनो किताब व तक ये बहुत बड़ी सजा के मुस्तक तुम जो करते हो ऐसा अब इसी पस मंजर में मुसलमानों हमारी हालत भी देखो हम क्या कर रहे हैं क्या इस रविश पे हम नहीं है जरा अपने गिरेबा में झांक कर देखिए कितने अहकामत हैं जिनको हम क्या है दिन धाड़े सब मालूम होते हुए हम इनकार कर जाते हैं वही जो आसान है उसके लिए क्या है हमेशा शद्दोमत के साथ उसको पूरा करते हैं। हाँ कितनी सुन्नतें हैं जिनको क्या है हमने कभी नहीं छोड़ा क्योंकि क्या है आसान है खतरा करना एक सुन्नत है लेकिन कोई छोड़ता है क्या हकीका करना एक सुन्नत है लेकिन छोड़ता है क्या आसान है ना जी लेकिन ये बिलमकाबिल अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की दूसरी जो सुन्नतें तुम्हारे सामने आई हैं उसको भी वैसा ही अमल करते हो दाढ़ी का मामला हो बाल रखने का मामला हो लिबास का मामला हो सिफात में क्या है अखलाक का मामला हो झूठ का मामला हो इल्जाम का मामला हो बहतान का मामला हो ये सब जानते बूझते पूरे बुराइयाँ करते रहते हैं क्योंकि मुश्किल है छोड़ना वो कैसे होगा बहुत मुश्किल है भाई नहीं हो सकता तो इस वास्ते इस पर कोई नहीं बोलता लेकिन जो आसान है उसको क्या है दस मरतबा बोल के क्या है सुन्नत है सुन्नत है बोल के करते हैं यही रविश तो नहीं है जो यहूदियों के पास थी अफतोमीनू न बी किताब व तकफर न बी किताब के, के बाद हिस्से पर तो क्या है तुम ईमान ले आते हो बास को क्या है तुम कफ्र करते हो अब ये करने पर सज़ा मिलती क्या है इसी कौम को फरमाया कि फमा जजा उमैफ फिर फिलहत दुनिया के वो हयात दुनियावी के अंदर हम उन्हें जलील करके रख देते हैं यही सजा है उन लोगों की अब जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए आज हम जलील उखार क्यों हो रहे हैं इसी वास्तव हम भी किताब के बाद हिस्से को तो जो मिठा मिठा क्या है सुन्नत है वैसा हमने क्या किया बाज रसूमात को तो पकड़ लिया इस्लाम है लेकिन जो बात की है पूरा मानना है उसके लिए तैयारी नहीं है कोई तो अल्लाह ने भी हमें क्या किया जलील कर दिया इस दुनिया में मैं तो हमेशा कहा करता हूं इतनी ज़िल्लत है कि अमेरिका का कोई कुत्ता मरता भी है तो अदालतें खड़ी होकर पूछती हैं कि क्यों मरा लेकिन हमारे घरों पर बुलडोज़र के बुलडोज़र चला दिए जाएं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर इनको मारा गया तो क्यों मारा गया इतने जलील हैं क्यों इसी वास्ते मेरे भाइयों कि हमने भी क्या है इस्लाम को अपने मनपसंद मामले में सिर्फ पसंद किया और जो चीज़ें कड़वी हैं जो चीज़ें मुश्किल हैं उनको छोड़ दिया तो अल्लाह कहता है कि यही वो लोग हैं जिनको हम क्या करेंगे दुनिया में भी जलील करेंगे आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब देंगे और वो आजाब ऐसा होगा फ़ला उ खफफानाजाब थोड़ा सा भी कम नहीं होगा तकफीफ़ नहीं की जाएगी और वो कहीं से मदद भी नहीं किए जाएंगे ये है वो खुलासा जो मैंने आयात के साथ पिछले एपिसोड में आपके सामने बयान कर दिया था इन देखते रहिएगा हम इसके बाद के आयात का दर्स लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे इजाज़त दीजिए हादा वबिल तोफ़ी व्ला वसल्आनबी महमद असल्हली वलकूम इमसमिनज़म बिनफ़िरफ़ूर वसलम आलकम والسلام एम एस एल आई टी वी रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاري ومسلم ونسائي. برادران الإسلام واجب الاحترام بزرقو دوستو عزيز ساتيو إمام بخاري رحمه الله نے أن تيس حديث كتاب الإيمان كأندر. इस तरह लाए थे जो मैंने अभी पढ़ के सुनाई और इसकी तशरी और तर्जुमा गुज़त के दर्स में एक हद तक हो चुका है जो बात बाकी है इसके लिए मैंने वो हदीस फिर एक मरतबा आपके सामने पढ़ी जिसमें हज़रत अब्दुल्ल इबिन अब्बास से रिवायत जो इमाम बुखारी रही ने अपनी किताब में लाए हैं इसमें अहम तरीन बात ये फरमाई गई कि मैंने जहन्नम में अक्सरियत औरतों की देखी पूछा गया किस वास्ते तो कुफर के वास्ते फिर इसमें पूछा गया अल्लाह के साथ कुफर कुफुररमाया कि नहीं अपने ख़ाविन की ना शुक्री एहसान के बदले में ना और इस मामले में समझने की बात यह है कि यहाँ कुफर का किस माने में इस्तेमाल हुआ है इमाम बुखारी रही इसी वास्ते बाप बाँधा कि कुफर वो जो बड़े कुफ्र से छोटा कुफर तो मालूम हुआ कि कुफर हकीकी जो इनकार पर मबनी है और जिसका नतीजा दायमी जहन्नम है वो कुफ्र यहाँ मुराद नहीं है कुफ्र का मतलब यह है कि ये बहसीियत गुनाह के कुफुर है हकीकी कुफर से कम है अबू सईद खुदरी वाली रिवायत जिसके बारे में इमाम बुखारी रही कहते हैं शुरू में के कुफरान बाबू कुफ़रानशीरी व कुफरीन दू न कुफरीन इस बाब के बयान में काविंद की नाशपरी और एक कुफर का अपने दर्जे में दूसरे कुफर से कम होने के बयान में तो उसके बाद फी ही अन अबन सीदिन कह के छोड़ दिए यानी हज़रत अबू सईद खुदरी से जो रिवायत है अब वो रिवायत क्या है नहीं बयान किए तो उसके बारे में हमें मालूम होता है कि वो रिवायत अबू सईद खुदरी वाली जो है वो किताबल हैस के अंदर ख़ुद इमाम बखारी रही अपनी बुखारी में लाए हैं इसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने औरतों को सदके का हुक्म दिया और फरमाया कि मैंने दोजख में ज्यादातर तुमको देखा इन्होंने पूछा कि क्यों तो आपने फरमाया कि तुम लानत बहुत करती हो और खाविन की नाशिक्री खाविन से कुफुर करती हो तो जो हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ट्वेंटी हदीस बयान करने से पहले इशारा किए वो हदीस अबू सईद खुदरी की क्या है उसमें दरअसल ख़ास रेमिडी बतलाई गई कि ये आदत जो है तुम्हारी कि तुम ख़ाविन के साथ नाशक् करती हो जिसकी वजह से ज़्यादातर जहन्नम में जाओगी तो वहाँ पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए क्या करें तो के रसूल सल्ला वल्लम ने इसकी इसके गुनाह को कम करने और इसके तदारुक के लिए फरमाया कि तुम सदते ज्यादा दिया करो अल्लाह के राह में खर्च करो इससे दरअसल तुम्हारी ये नाफरमानी की सजा कम हो सकती है अल्लाह माफ़ कर देगा तो अब वो औरतें सोचना चाहिए जो ना अल्लाह के राह में खर्च करती हैं ना खाविन की फरमा बर्दारी करती हैं क्या हाल होगा उनका खाविंद के लिए भी क्या है उनके पास कोई तहसीन का लफ्ज़ नहीं ना शुक्री ही ना शुक्री और माल में भी इतनी सख्त वकील के एक पैसा नहीं खर्चा करने देती ना खाविंद को देती ना खुद करती बहुत सी औरतें क्या है खाविंदों को भी देते वक्त रोक देती हैं आप क्या जी हातिम ताई क्या तुम उठा उठा को दे डालते जमा कर को रखो बेटी हुई है अमना जहेज के वास्ते रखो सब क्या है खुद औरतें जब खाविन देने पे आता है उस वक्त भी दरअसल रुकावटें बन जाती हैं जबकि उल्टा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हालत से बचने के लिए तुम करो क्या सदका से अदा करो अल्लाह की राह में दो क्योंकि मैंने तुमको जहन्नम में अक्सरीत तुम्हारी देखी पूछा कि क्यों तो यहां पर एक लफ्ज और बढ़ाया गया अबू सईद खुदरी की रिवायत में फरमाया कि तुम लानत बहुत करती हो और ये बात भी हकीकत है मर्द भी करते हैं लेकिन इस सिफत में ज़्यादातर खवातीन हैं इसमें कोई शक नहीं है और बेकार की करते हैं इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है छोटी छोटी बातों पर लानत करना बदुआएँ देना तो मर जा एक्सीडेंट में मर जा तेरे ऊपर लाड़ी चलो तेरे ऊपर बाइक चलो अजीब व गरीब लानतें खुद की औलाद को भी कभी कभी दे बैठती हैं जिसका खमियाजा बाद में भुगतना पड़ता है तो यह चीज जो औरतों की खास है इसके लिए अल्लाह के रसूल तवज्जो दिला रहे हैं कि देखो ऐसा ना करो इसके बदले में तुम नेकी अपनाओ और खैरात ज्यादा करो अल्लाह की राह में दो ताकि इस तरह की जो गलतियां हो जाए अल्लाह तदके की वजह से माफ कर देहसनाती हिबन सै बेशक क्या है नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं तो बाज़ नेकियां ऐसी हैं जो खुद ब खुद बुराइयों को मिटा देती हैं तो नेकियां करते रहना चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए तो यहाँ पर यह हदीस जो आई है इसकी तशरी मैं कर रहा हूँ हज़रत इब्ने अब्बास रदी अन्हुमा की यह हदीस इमाम बुखारी किताबुल खुसूफ के अंदर भी लाए हैं और वहाँ तवील हदीस है वो उस हदीस का सिर्फ एक टुकड़ा यहाँ पर ला के बाप की हैसियत से किताब की हैसियत से उन्होंने क्या किया इसको माते में लाया और बाप से रिलेटेड बात जो थी वो फकत नकल कर दी जबकि ये हदीस भी तवील हदीस है जो हम पढ़ रहे हैं जो दरअसल क्या है वो किताबुल किताबलकसूफ़ के अंदर फिर आएगी और उस वक्त हम उसकी वहाँ तशरी करेंगे अब दूसरी बात यह है कि इस हदीस की शरह में इमाम कस्तलानी रही फरमाते हैं कि इस हदीस के तहत ज़रूरी हुआ कि सरदार अपने मातहतों को वाज और नसीहत करे और नेकी के लिए इनको रगबत दिलाए और इनसे ये भी निकला कि शागिर्द अगर उस्ताद की बात पूरे तौर तो पर न समझ पाए तो उस्ताद से दोबारा दरियाफ़्त कर ले और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि ना पर भी कुफर का इतलाक़ होता है देखिए ये समझने का फ़कीह फ़कीहाना अंदाज़ महदसिन का अंदाज़ देखिए वो इस हदीस से क्या क्या चीज़ें निकालती हैं उन्होंने कहा कि इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि सरदार अपने मातहतों को वाज़ वाजो नसीहत भी करे अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम सरदार थे तो नसीहतें करते रहते थे और नेकी की रगबत दिलाए जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में जिक्र कर रहे हैं और इससे यह भी निकला कि उस्ताद कह रहा है कोई बात शागिर्द की समझ में नहीं आ रही नहीं आ रही है तो वह पूछ ले जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किफ्र की वजह से लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कुफर की वजह से तो कौन से कुफर की तो पूछा गया एक फुर नबिल्ला क्या अल्लाह तआला के कुफर की वजह से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं वो कुफर नहीं है ये खाविंदों की कुफर की वजह से उनकी नाशुक्री की वजह से तो उस्ताद कोई बात कहे समझ में ना आए तो शागिर्द पूछ लिया करे इस हदीस से यह बात मालूम होती है और इसी तरह फरमाया कि खाविन की नाशुक्री पर भी कुफर का साबित हुआ यानी अल्लाह के रसूल ने इसके लिए भी लफ्ज कुफर इस्तेमाल हुआ और यह भी मालूम हुआ कि मासी से ईमान घटता है क्योंकि यहाँ साफ मालूम हो रहा है कि कुफर दू ना कुफर इस उनवान के तहत क्यों लाए जैसे ईमान में कमी ज़्यादा है वैसे भी कुफुर में कमी ज्यादा है इसी वास्ते गुनाहों को भी कुफर करार दिया गया जिसके इरतकाब से जहन्नम में तो बंदा जा सकता है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा उसमें और यह भी मालूम हुआ कि औरतों का ईमान जैसे खाविन के नाशुकरी ऐसी चीजों से घटता है इस वास्ते तो कुफर की तरफ जाती है ना जी और शुक्रगुजारी से भी आईनी उसका उल्टा मफूम निकलेगा खाविंद की शुक्रगुजारी से ईमान बढ़ता है यौरअ क्या नुकता है देखिए यहां पर जब नाफरमानी से कुफर के करीब ईमान घटता है तो इसका उल्टा दूसरा मफहम क्या हुआ शुक्रगुजारी करो खाविंदों के साथ तो मालूम हुआ उससे ईमान बढ़ता है अब आज तक हमारी ख़वात औरतों के जहनों में है क्या नमाज़ पढ़ो रोज़ा रखो इबादत करो इससे ईमान बढ़ता है लेकिन कभी इनके जहनों में यह बात नहीं आएगी कि खाविन की शुक्र गुज़ारी इनसे ईमान बढ़ता है ईमान बढ़ता है मैंने वो वाक़ा पढ़ा था एक साहिल यानी एक औरत ने सवाल किया है इमाम नासिर अलबानी रही से कि मैं नमाज पढ़ती हूँ तहजद पढ़ती हूँ इबादत में मगन रहती हूँ लेकिन मुझे क्या है वो इबादत का शौक़ और वो मज़ा वो हलावत नहीं आती आखिर क्या वजह है इबादतों में मैं लगी रहना चाहती हूँ और करती भी हूँ पंचवक्ता नमाज के अलावा मैं तहजद गुजार हूँ नवाफिल अदा करती हूँ रोजे रमजान के अलावा और रोजे रखती हूं लेकिन इन तमाम नवाफिल के बावजूद भी वो मजा जो हलावत ईमान का है वो नहीं है वो खुशी नहीं है वो जौक नहीं आ रहा है इबादतों के अंदर ऐसा क्यों है इमाम ने जवाब दिया माशाला क्या फहम है इमाम ने उसके जवाब में फरमाया ना अलबानी ने फरमाया है कि जब तुम ये कहती हो कि इबादत तुम बढ़ चढ़ कर करती हो और फिर भी उसमें दरअसल शौक़ नहीं आ रहा है तो दरअसल मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम खाविंद की खिदमत कितनी करती हो उसकी शुक्रगुजारी गुज़ारी कितनी करती हो अगर इसमें तुम कमी कर रही हो तो यही वजह है कि तुम्हारे इबादतों में मज़ा नहीं आ रहा है इमाम नासबानी रिमोल्ला फरमाते हैं और उस औरत को नसीहत करते हैं कि असल मसला इबादतों में जौक शौक जो नहीं आ रहा है वो इस वास्ते है शायद कि तुम अपने खाविन के शुक्रगुजार नहीं हो तो शुक्रगुजारी ईमान को बढ़ा देती है औरतों के अंदर ये जज्बा आज तो क्या है जी इसको बिल्कुल भी वो ईमानियात से निकाल चुके हैं हत्या कि एक अच्छा एक नेक काम से भी निकाल चुके हैं बड़ी इबादत गुजार बड़ी दाई या बड़े वाज़ नसीहत इनके बाहर होते रहते हैं सेंटर्स चला रहे हैं फला है लेकिन मसला यह है कि न खाविंद की मानती है और खाविंद वो है जो दरअसल क्या है हमेशा शाकी है कि भाई मेरी बीवी मेरी बात ही नहीं मानती यहाँ क्या है बाहर बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े, बड़े, बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं इनके क्या के लेक्चर्स बुनियादी बात है वही नहीं हो रही है खातिन को सबसे पहले तो यह होना चाहिए वो खाविंदों की शुक्रगुजार गुजार हों ज्यादातर ने इस्लाम जो औरतें हैं ना इनके मसाइल ज्यादा होते हैं खाविंद और अजवाजी जिंदगी के तो इस वास्ते होते हैं कि इन्होंने इसको दीन नहीं समझा इसी वास्ते इमाम बुखारी रहमोल्ला की तफसीर में इमाम अस्तलाने रही साफ फरमा रहे हैं कि इससे मालूम हुआ कि जब नाशक्री से ईमान घटता है तो शुक्रगुजारी से ईमान बढ़ेगा तो खाविन की शुक्रगुजारी ईमान की बढ़ोतरी का हिस्सा है तो तुम शुक्र गुज़ार बनो तुम उनका शुक्र ज़ुबानी भी अदा कर सकती हो खिदमत के जरिए भी अदा कर सकती हो अमल के जरिए भी अदा कर सकती हो लेकिन बहुत कम बीवियां हैं जो खाविंदों को उनके हक के साथ उनके शुक्रगुजारी के अल्फाज कह रहे होते हैं कि आपके लिए शुक्रिया जजाकल्ला आपने इतना किया हमारे लिए ये कहने वाली बीवियां पता नहीं कहाँ गुम हैं, नहीं और इसको कभी उन्होंने क्या नहीं समझा ये इस्लाम का हिस्सा समझा ही नहीं है तो याद रखिए इसको समझने की बहुत अहम जरूरत है और इसके बाद इमाम बुखारी रहम्ला ने कुफर कुफर का जो टुकड़ा इस्तेमाल किया है वो हज़रत इबन अब्बास रजील्लाहुमा के इस कौल से लिया है जो आपने आयत करीमा वमकुम बिमा अनुलाई काफिर सुरहदा सुर नंबर पांच आयत नंबर फोर्टी फोर में इसकी तफसीर करते हुए फरमाया कि जो शख्स भी अल्लाह के उतारे हुए कानून के मुताबिक फ़ैसला ना करे सो ऐसे लोग काफिर हैं हज़रत इबन अब्बास रजील्न फरमाते हैं कि आयत करीमा में वो कुफर मुराद नहीं है जो काफिर के लिए या हकीकी कुफर के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि वो कुफुर मुराद है जो कुफ्र अजगर है जिसमें दायमी जहन्नम नहीं होती तो मालूम हुआ कुफर में कई अकसाम है हर कुफर के लफ्ज को इनकार के माने में लेना और दायमी जहन्नमी समझना गलत है और इसी तरह उलमा ने कुफर के तकरीबन चार अकसाम पर तकसीम किया है कुफर को एक कुफर वो है जो कुरे इनकार है जो जिसे हम काफिर कहते हैं इसके लिए हम आम इस्तेमाल करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता बिल्कुल इनकार करना अल्लाह का और इसके वजूद को ही तस्लीम ना करना कुरान मजीद में ज्यादातर लफ्ज कुफुर उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है कुलिया काफिर उन में वही खिताब है तो एक कुफुर तो वो हो गया नंबर एक और दूसरा कुफुर कुरे जहूद है कुफरे जहूद क्या है अल्लाह तबारक व तू दिल से हक जानना मगर दुनियावी मफादात की वजह से इकरार ना करना जैसा कि बहुत से कमजोर मुशरिकीन उस वक्त भी थे और आज भी हैं दीन इस्लाम को जानते हैं मानते भी हैं सही है लेकिन ऐलान नहीं करते इकरार नहीं करते ये कुफरे जहूद है, दिल के अंदर तो मानना है हग भी साबित हो गया लेकिन मसला यह है कि अगर हम मान लेंगे तो हमारा ओहदा कहाँ जाएगा हमारी कौम हमसे क्या सलूक करेगी हमारा मसला क्या होगा हमारी दुनिया क्या होगी तो दुनिया भी मफादात की वजह से क्या करते हैं ऐलान नहीं करते आज के दौर में भी कई ऐसे मुशरकें हैं और उस दौर में भी कई ऐसे मुशरिकी मक्का में से थे जो दरअसल मानते तो थे कि हक पर हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन उनकी जरात नहीं होती थी कि वो ऐलान कर दें कि हम मुसलमान हैं ये कुफरे जहूद है और तीसरा कुफर है कुफर इनाद कुफरे इनाद का मतलब क्या है दिल में तस्दीक करना जबान से इकरार भी कर लेना मगर अहकाम इलाहिया को तस्लीम ना करना तोहैद और रिसालत के इस्लामी अकीदे को मानने के लिए तैयार ना होना यह कुफर भी बहुत से लोगों के अंदर है यानी कुफर इनात क्या है इस्लाम को मानते भी हैं लेकिन अमली एतबार से देखेंगे तो नाम का मुसलमान बस किसी चीज को मानता नहीं कुरान में है बोलो मानता नहीं हदीस में है बोलो मानता नहीं साफ कह देता है इस जमाने में सब क्या भाई होंगे ये सब इस्लाम को चलने नहीं होगा भाई नाम मुसलमान है उसका तो इसे कहते हैं कुफरे इनाद नंबर चार कुफरे निफाक है निफाक को भी कुफर से ताबीर किया गया है कुफरे निफाक क्या है जबान से इकरार करना मगर दिल में यकीन न करना जैसा कि सुरह बकर तबारक व तला ने तेरा नंबर की आयत फरमाया कि वहीज़ाकी आमिनु कमा आमनस अनोमिन कमा अमन सुफह जब इनसे कहा जाता है तो तुम ईमान लाओ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग ईमान लाए हैं असाब रसोल्ला ईमान लाए हैं तो कहते हैं कि हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएँ दिल के अंदर कहते हैं यह हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएँ वर्रा तो बाहिर ये ईमान वाले कहते हैं क्योंकि आयत ऊपर से जो शुरू हो रही है वैसी वैसी ही शुरू अमीन यकूल अमन्ना बिल्ला लोगों में तो बात ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए तो ये ईमान के दावेदार है लेकिन जब सच्चा पक्का मुसलमान बनने की बात आए और उनको बताया जाए तो ये पुख्ते ईमान वालों की तरह तुम भी पुख्ता ईमान अपने अंदर पैदा करो तो दिल के अंदर जाहिर में नहीं कह सकते उतनी जरात नहीं मुनाफी ना दिल के अंदर ये कहते हैं कि इन बेवक़ूफ़ों की तरह ईमान लाएं हम भी पक्के सच्चे बन जाए यह निफाक का कुफुर है और यही वो कुफुर है जिसे बड़े मालूम हुए बगैर बेषूरी तौर पर इंसान के अंदर थोड़ा 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 करके जमा होते होते पुख्ता हो जाता है और हती के वो क्या है पूरे ईमान ही से निकल जाता है इल्म भी नहीं होता क्योंकि दरअसल क्या है ये लाशी तौर पर अंदर दाखिल होता है जिसको इंसान समझता है मैं तो बड़ा मुसलमान हूँ बड़ा पक्का सच्चा हूं मैं तो ये कर रहा हूँ मैं तो वो कर रहा हूँ मैं तो फला किया ये सब समझता रहता है लेकिन ये बात नहीं समझता कि कभी का तेरे दिल से ईमान निकल चुका है इसी वास्ते मुहत्कीन ने कुफर के चार अलग अलग कैटेगरीज बताए हैं कि एक तो कुफर वो है जो कुफर इनकार है नंबर दो कुफरे जहूद है नंबर तीन कुफर इनाद है नंबर चार कुफर निफाक है जब इन बातों को हम गहराई के साथ समझेंगे तो तब मालूम होगा कि हमारे अंदर किस तरह का कुफर पैदा हो रहा है कहीं जाकर कुफरे नफाक आगे चलकर कुफर इनाद तो नहीं बन गया कुफर इनाद आगे चलकर कुफरे जहूद तो नहीं बन गया कुफर जहूद आगे चलकर पक्का क्या है इनकार में तो नहीं आ गया इंसान क्योंकि अगर इसको नहीं जांचोगे, नहीं समझोगे इस पर क्या इल्म हासा? तो इंसान बिलाशरी तौर पर लाशरी तौर पर इसके अंदर दाखिल होता चला जाएगा तो मुसलमानों हर चीज़ को इल्म के साथ लेना चाहिए हर चीज को समझना चाहिए कि खासकर यहां तो सिर्फ खवातन के सिलसिले में फरमाया गया कि इनकी कुफर है ऐसी बहुत सी और चीजों को भी फरमाया गया कि यह चीज कुफ्र है उससे बचो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिबाबुल सिबाबलमसलिमी फसूकफ्र देखो मुसलमान को गाली देना फिस्क है बड़ा गुनाह है हम तो गाली ऐसा देते हैं जैसा कि क्या है बहुत बड़ा सवाब का काम है हत्या के गहरी दोस्ती होती है गाली से बुलाता उसे क्या कर उत्ती दोस्ती है हालांकि गाली देना अच्छी बात नहीं है और फरमाया कि वह खिताल हूं कुफुर देखो उसको कत्ल करना कुफुर है दास बात पर क्या तलवार उठा लेता कोई बंदा मिजाजी चोच हालांकि कुफर है हाँ ये और बात है कि वो इनकार का जो कुफर है ना वो नहीं है उससे कम दर्जे का कुफर है लेकिन कुफर है हाँ इसी तरह फरमाया कि मन तरक का सला फकत कफर जो आमदन नमाज छोड़ा उसने कुफर किया जो आमदन नमाज छोड़ा कुफर या और बात है कि तौबा कर लिया या और बात है कि एक नमाज छोड़ी दो नमाज छोड़ी लेकिन जब छोड़ा तो वो कुफर में आया नहीं आया आया तो इसी वास्ते फरमाया कि हिफाजत करो हाफिज़ू, हाफिकू अबातला नमाजों की हिफाजत करो क्योंकि उसके जरिए से कुफर दाखिल हो सकता है और ये दाखिल होने वाला कुफर खा छोटा हो लेकिन आगे चलकर कुफर अकबर तक पहुंच सकता है इसी तरह जादू कुफर क्यों अल्लाह तबारक ने उसे कुफ्र से ताबीर किया वतुल्तीन सुलेमान, समानमा का सुलेमान, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया तो मालूम हुआ कि जादू नहीं किए हजरत सुलेमान, जादू के पावर से वो बोलियाँ नहीं सीखे, जादू के पावर से वो जिन्नात पर हुकूमत नहीं करते थे जादू के पावर से वो परिंदों की बोलियां नहीं समझते थे या अल्लाह की अता थी तो वमा का सुलेमान तो आज कितने लोग कितनी औरतें खुद अपने शोहर पे करने जाती हैं धड़ल्ले के साथ शहर करने जादू करने के लिए ताकि ये हमारा गुलाम बना रहे कितने लोग मालो दौलत की वजह से क्या है? खुद अपनी ही बेटियों पे कर गुजरते हैं खुद अपने ही खानदान अपने माँ बाप पे कर गुजरते हैं इंतहाई गिरे हुए इंसान हैं इंतहाई गिरे हुए इंसान हैं तो ये अमाल बहुत बुरे हैं मामूली लगते हैं लेकिन इंसान अंदर दाखिल हो जाए पता ही नहीं चलता कि वो कब अंदर जाके मजबूत तनाव और दरख्त बन गया फिर वो एक जमाना जिंदगी में ऐसा भी आता है कि कोई नेकी में इंटरेस्ट नहीं रहता और उसके बाद सिर्फ कुफुर कुफुर है इंसान को अच्छाई पसंद ही नहीं होती सिर्फ बुराई पसंद होती है इस कंडीशन में पहुंच जाता है अच्छाई से कभी जौक भी नहीं होता कभी लज्जत भी नहीं होती तो बड़े कुफर के अंदर गोया कि क्या है चले गए ये निशानी है बहुत से लोग अपने दिल को टटोल के देखें क्या नेकी करने में खुशी होती है बुराई करने में दिल धड़कता है तो समझो कि कुछ ईमान का हिस्सा है लेकिन नेकी करने में ना खुशी है बुराई करने में ना गम है तो याद रखो फिर तो क्या है? पूरा मुर्दा मुकम्मल मुकम्मल ईमान का सफाया हो गया है ना तुम्हें लज्जत मालूम है ना तुम्हें दर्द होता है जैसे जुबान के अंदर टेस्ट कभी चला जाता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है खारा क्या है मीठा क्या है समझ पाता है बंदा कितना भी टेस्ट चला जाए लेकिन मुकम्मल चला जाए आप उस पर मीठा रखें खारा रखें जबान कोई ना दे तो याद रखो फिर तो जुबान का टेस्ट पूरा गया सिफर हो गया वही तो हालत क्या होता है दिल का भी एक टेस्ट होता है वो टेस्ट ईमान से ही होता है ईमान जैसे जैसे बढ़ता है वो टेस्ट भी बढ़ता है नेकियां करेंगी तो खुशी बुराइयों में पड़ेंगे तो क्या है गम एक तरह का क्या है अपने ही आप से नफरत एक तरह का खौफ अल्लाह तबारक को तो तला डर न नेकी में कुछ हो रहा है न बदी में कुछ हो रहा है तो याद रखो वो टेस्ट का जो जायका था जो ईमान का अंदर दिल का वो मुकम्मल निकल गया है ही नहीं वो तो यह हालत पहुंच जाती है बंदों की इसी वास्ते इमाम बुखारी रही ने इस मामले में खास तौर पर बाप बांधा कि कुफर भी है गुनाहों को भी कभी कुफर इस्तेमाल हुआ है ऐसे गुनाहों से भी क्या है बचो ताकि तुम्ही सही ईमान का जायका आता हो और इसके ज़रिए से तुम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बना सको अब इन हम अगली मजलिस में पढ़ेंगे खासकर वो अदीस आ रहे हैं अब जिसमें हम बहुत मामूली समझते हैं लेकिन असल में अल्लाह के रसूल ने उसे बहुत बड़े करारे और इस बात के लिए भी वो हदीस है तो किताबल ईमान में इमाम बुखारी ला रहे हैं कि ईमान अमल 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 है अमल है खाली मुजरत कौल नहीं है अली ईमान हो कौल उन व अमल उन है अमल भी है अमल से हमेशा जुड़े रहना है अमल को छोड़ दोगे तो फिर तो ईमान भी आखिरकार कम होता चला जाएगा तो ये चीज़ जो इस किताब किताबुल ईमान के अंदर समझा रहा है इमाम बुखारी रहमल इंशाल्लाह उसे और ज़्यादा क्या है खुलकर सामने आएंगी कुछ बातें अगले हमारे दर्श में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए देखते रहिए एम एस लाइव टी वी को शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लोगों तक पहुँचाइए इस बात को पहुँचाने का और उसको कोई मान कर अपने अहवाल को दुरुस्त कर लिया तो याद रखिए उसकी नेकी का हर सवाब में आपका भी एक हिस्सा होता है तो खाली आप पहुंचा के सवाब कमा सकते हैं हदाविल तोफ़ी व् वसलमबी महमदील वल्लमसमिनफ़िरफ़ूर वसलम व्ल वक्त एम एस एल आई टी वी रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وفي روايه وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما रबिश राहली सौदरी वय सरली अमरी वहदतनीफ़ कौली रदराने इस्लाम वजबातराम बुज़ुर्गो दोस्तों अज़ीज़ साथियों लायक अहतराम माओ और बहनों सरतुलनबी सल्ह वसलम के णवान से जो दुरूस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तेरा नब के अवाखिर तक हम पहुंच चुके हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका का वह हिस्सा जहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल के पहुंचते हैं ये ख़ास तौर पर मैंने आखिरी दर्स में आपके सामने बयान किया पहुँचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार होने वाले सहाबी सिद्दीक़ अकबर अन गार को साफ़ किया और तमाम सुराखों को बंद किया फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया दो तीन ऐसे सुराख रह गए थे जिसमें बंद करने के लिए कोई चीज न मिली तो अपने दो पाँव से दो सुराखों को बंद किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार के अंदर बुलवा लिया सिद्दीक अकबर के रान पे सर रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए सो गए तो इसी असना में कोई जहरीला जानवर जहरीला कीड़ा हज़रत सिद्दी के अकबर रजील्ला के पाँव पर काट लिया जिसकी शिद्दत से आंसू निकल पड़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब उस जगह लगाया और वो दर्द जाता रहा ये बातें हम पिछले दर्स में सुन चुके हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम जिस गार में थे वो गार सौर कहलाता है तारीख़ इस्लाम में यहाँ अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल् ने तीन दिन गुज़ारे यार अब छोटे से गार में वो पहाड़ी इलाके में वो अंधेरे में वो बियाबान में इस्लाम के लिए तकलीफ़ें देखिए कि अल्लाह के, के रसूल सल्लाम ने तीन रातें यहां पर गुजारी सिद्दी अकबर भी साथ हैं यानी जुमा हफ्ता और इतवार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन रातों के दौरान कैसे रहे जरा तस्वर करके देखें खाना क्या था पीना क्या था क्या वसाइल थे उस वक्त और ये तकलीफ़ें क्यों उठा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इंसानियत के लिए रहमत हैं सरापा और अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़त में सबसे महबूब तरीन है आखिर ये तकलीफ़ें क्यों इस्लाम इस्लाम फूलों का सेज नहीं है ये काटों भरी राह है इसमें तकलीफ तो आएंगे ही आज हम क्या है? एक तकलीफ बर्दाश्त किए बगैर इस्लाम पर चलने में बेजार है तो तीन रातें तीन दिन इस दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक की जानी सारी भी ऐसे खुल के सामने आई जैसे सितारों पे सूरज खुल के आता है पूरा खानदान लगा हुआ था खिदमत में अबू बकर सिद्दीक रजील्ला के साहेबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर मक्के से छुप छुपाते यही रात गुजारते थे कैसे अम्मा आयशा अन्हा का बयान है कि वो गहरी सूझबूझ के मालिक बेहतरीन जहीन व फतीन नौजवान थे शहर की तारीकी में इन दोनों हजरात के पास चले जाते थे और मक्के में क्रैश के साथ यूं सुबह करते थे गोया के यहीं रात गुजारी हो फिर आप दोनों के खिलाफ जो साजिशें होती थी जो बातें होती थी मक्के में जो कोई बात सुनते इसे अच्छी तरह याद कर लेते थे और तारीखी जब गहरी हो जाती तो इस खबर को लेकर गार में पहुंच जाते थे सिद्दीक तो लगे हुए हैं लेकिन सिद्दीक का पूरा खानदान लगा हुआ है इस्लाम पर अल्लाह के रसूल वसलम की मोहब्बत अब्दुल्ला बिन अबी बकर जैसे ही रात गहरी होती अकेले निकलते कहां गौर की तरफ उनका काम क्या होता दिन भर की जो बातें जो कोशिशें इन बदबकतों ने की हैं अल्लाह के रसूल उन उन को याद भी कर लेते और सीधा पहुंचते वहां रहते खिदमत करते रात गुजारते फिर उसके बाद शहर की तारीकी में यानी रात का कुछ हिस्सा रह जाता तो वापस निकलते और मक्के में आके ऐसा सुबह करते लोगों को मालूम ही नहीं चलता और ऐसे वहां से वो अपने लोगों को मक्के के लोगों को अपना आप अयून दिखलाते गोया कि यही मक्के में रात गुजारा है ये रोजाना का काम था हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर का इधर अबू बकर अल्लाह के गुलाम आमिर बिन फहैरा थे ये बकरियां चराते रहते और जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो बकरियां लेकर इनके पास पहुंच जाते इस तरह दोनों हजरात रात को शिकम शैर होकर यानी आसूदा होकर दूध पी लेते फिर सुबह का तड़का अभी जाहिर नहीं होता आमिर बिन फहैरा बकरियाँ हाँक कर चल देते तीनों रात इन्होंने यही किया इधर हज़रत अब बिन अबी बकर पूरा निसार और इधर उनके ग़ुलाम हज़रत अबू बकर के आमिर बिन फुहरा वो क्या करते बकरियां दिन भर चराते रहते लोगों को पता भी न चलता लेकिन असल में रात का इंतजार करते और रात होते ही जैसे ही रात हुई रात की तारीकी में गार शोर का रुख करते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच कर बकरियों का दूध दोकर अल्लाह के रसूल को देते हजरत सिद्दीक को देते पूरे दिन की भूख प्यास को मिटाने वाली चीज़ यही दूध था तस्वर करके देखो लॉकडाउन में हमें थोड़ी सी मशक्क़त हुई तो क्या कुछ नहीं हुआ जो पसंद की चीजें थी वो नहीं मिले तो हमारे अंदर कैसे कैसे एहसास जागे थे यहाँ देखो पूरे दिन की गजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध मिलता था वो भी रात में कोई और गजा थी ही नहीं तीन दिन भी सिर्फ दूध मिला रात में उसी पर गुजारा किया ये तकलीफें क्यों उठा रहे हैं जरा तसवुर करके देखो जब अल्लाह के रसूल वसल्लम ने तकालीफ उठाए इस्लाम के लिए तो हम क्या हैं हम तो इससे बढ़कर इससे आगे जानसारी का हम दरअसल क्या है बेहतरीन तौर पर मुजाहरा करना चाहिए लेकिन हमारे पास अमल करने के लिए भी वक्त नहीं है इस्लाम पर यह सबसे अहम तरीन मसला और वो रात में दूध देकर वापस फिर उसी तरह जिस तरह अब्दुल्ला बिन अबी बकर आ जाते थे सुबह होने से पहले आ जाते थे और साथ में अपने कदमों के निशानात कहीं देख के लोग अंदाजा ना कर लें बकरियों को साथ में ले आते थे और बकरियां ये आगे आगे चलते थे पीछे पीछे बकरियां चलती थी तो उनके निशानात जो होते थे वो मिट जाते थे और इस तरह क्या है जहानत के साथ फतानत के साथ ये दोनों तीनों दिन यही काम करते रहे कि दिन के जो भी न्यूज़ हो वो अब्दुल्ला बिन अबी बकर पहुंचाते थे और दूध ये हजरत आमिर बिन फुहैरा पहुंचाते थे अच्छा इस तरह जुमा का दिन गुजरा हफ्ते का दिन गुजरा इतवार का दिन गुजरा अब इधर क्या हुआ इन तीन दिनों में हुईश का हाल तो ये था कि जब जिस दिन मंसूबा किया कत्ल करने का बिल्ला, वो रात गुज़र गई और सुबह यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि इनकी हज़ार कोशिशों के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए और वहाँ पर नहीं है अब मक्के में तो इन पर दीवान की तारी हो गई इन बदब्तों पर इन्होंने तो सबसे पहला गुस्सा हज़रत अली पर निकाला क्योंकि बिस्तर से वही उठ के आए थे घसीट कर खा खान तक ले गए और उन्हें कैद करके भी रखा ताकि मालूम हो जाए कि कुछ खबर मिल जाए लेकिन कुछ नहीं हुआ वो तो साफ कह दिए कि हमें कुछ नहीं मालूम तो अबू बकर सिद्दीक के घर आए दरवाज़ा खटखटाया हज़रत असमा बिनते अबी बकर अबू बकर सिद्दीक रजील्ला की बेटी बाहर आई पूछा तुम्हारे अब्बा कहाँ? इन्होंने कहा कि बखुदा मुझे मालूम नहीं है मेरे अब्बा कहाँ है बाकी मालूम नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं इस पर कम वक्त खबीस अबू जहल ने हाथ उठाकर इनके रुखसार पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई पूरा खानदान देखिए किस तरह सिद्दीक अकबर का इस्लाम इस के लिए अल्लाह के रसूल वसल्लम के लिए गोया कि फना हो रहा है इधर गुलाम इधर बेटा इधर बेटी और ये बात याद रख लीजिए दुश्मना ने इस्लाम मुशरिकी ने मक्का को भी मालूम था कि सिद्दीक अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के सबसे गहरे दोस्त हैं अगर मक्के में नहीं है अल्लाह के रसूल तो सिद्दीक के घर गए होंगे लेकिन बदबक शिया को नहीं मालूम वो सिद्दीक पे उंगली उठाते हैं इन काफिरों से भी बदतर है वो भी मानते थे इसी वास्ते इन्होंने सबसे पहला हजरत सिद्दीक के अकबर के घर की तरफ रवाना हो और वहां पूछा जब वहां से भी कोई काम की बात मालूम न हुई जालिमाना तौर पर थप्पड़ मारा इस बदबक ने हजरत आसमा बिन तेबी बकर ये वो थी जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की साली भी थी और आगे चलकर हजरत जुबैर बिन आवाम की बीवी बनी और उन्हीं से अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुए इसके बाद कुरैश ने क्या किया एक हंगामी मीटिंग और इसमें तय किया कि इन दोनों को गिरफ्तार करने की तमाम मुमकिन वसायल इस्तेमाल किए जाएं निकलने वाले मक्के से जितने रास्ते हैं अतराफ और अकनाफ में उन तमाम रास्तों पर कोई ना कोई चौकस होकर बैठ जाए मुसल्ला कड़ा पहरा हो और साथ में ऐलान ये लालच भी दे दिया गया कि जो कोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को अल्लाह को जिंदा या मुर्दा हाजिर करेगा इसे हर एक के बदले सौ ऊंटों का बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा सौ ऊंट दिए जाएंगे उसको अब इस ऐलान के नतीजे में बहुत से वो लोग जिनको इस वाक़े से कोई लेन देन ही नहीं था लेकिन इनाम के लालच में बहुत से लोग तलाश करने लगे हती के इसमें माहिर जो खोजी थे जो निशानात को देखकर चलते थे इसमें महारत थी वो लोग भी क्या है इस मामले में आगे बढ़कर पहाड़ों में वादियों में फराज में हर तरफ ढूंढने लगे हुआ एक मरतबा ऐसा भी कि तलाश करने वाले करते 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 गारे शौर के बिल्कुल दहाने पर पहुंच गए वो वाकिया सही बुखारी के अंदर हजरत अनस रज से मरवी है कि अबू बकर सिद्दीक रजा ने फरमाया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में था सर उठाया तो क्या देखता हूं कि लोगों के पाँव नजर आ रहे हैं मैंने कहा अः अल्लाह के नबी अगर इनमें से कोई शख्स महज अपनी निगाह नीचे कर दे अपनी निगाह कुछ थोड़ा सा नीचे कर दे तो वह हम देख लेगा आपने फरमाया अबू बकर खामोश रहो हम वो हैं दो जिसका तीसरा अल्लाह है एक रिवायत में अल्फाज आए हैं कि मा वनुक या अबाबक बिस नई नी सालिसहुमा अबो बकर तुम्हारा क्या गुमान है उन दो के बारे में जिसका तीसरा अल्लाह है मा वनुक या अबा बकर बिश नई नी अल्लाह अल्ला तबार व तआला तीसरा है अबू बकर ऐसे दो आदमियों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा और यहाँ पर दरअसल उस कैफियत को रब ने कुरान में सब्त करके कयामत तक के लिए सिद्दीक अकबर की हिमायत के लिए और सिद्दीक़ अकबर पर लान तान करने वालों के लिए तमाचे के तौर पर रख दिया हाँ वो वक्त को याद करो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है ये यकूल साहेब नबी अपने साहिब से पूरे कुरान में सहाबियत के लिए साबित होने वाली शख्सियत सिद्दीक़ अकबर हैं जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज सहाबा का लफ्ज इस्तेमाल किया सिद्दीक़ अकबर के लिए यकूल साहिब जो अपने साहिब से कह रहे थे नबी अपने सहाबी से कह रहे थे से अगर कोई कुरान से साबित सहाबी है तो वो वह सिद्धिक ला तजन इन अल्लाह माना देखो गम करने की कोई बात नहीं अल्लाह हमारे साथ है बास बदतों ने इसमें से भी क्या है अपने मुंह मां ने मुराद लेने की कोशिश की और सिद्दीक अकबर पर लान तान करने की कोशिश की कहा कि देखो इनको अपने जान का गम खाए जा रहा था इस वास्ते दरअसल ये परेशान थे तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सिद्दीक गम करने की जरूरत नहीं है अल्लाह बचा लेगा मैं पूछता हूं इन बदबकतों से जब इनको अपनी जान का खौफ था तो साथ आए क्यों तभी हिला कर देते उनको मालूम था कि पूरे मक्का से दरअसल क्या दुश्मनी मोल लेने के बराबर है वहां तो सारा का सारा गम अपनी जान का नहीं था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी क्योंकि गम असल में क्या होता है दूसरों का होता है खौफ अपना होता है याद रखिए कुरान में यह चीज मैं आपको साबित कर सकता हूं हज़रत मूस सलाम की अम्मी जब मूसा को अल्लाह के हुम पर दरिया में डाल दिया था संदोक में रख के लेकिन फिर भी डर रही थी खौफ खा रही थी वहाँ पर यह लफ्ज़ दरअसल बहुत ही कुशादा हो के अलग अलग हो के हमें समझा दिए कि खौफ और गम में फ़र्क क्या है इसीलिए ला तकफ़ इन आना नहीं आया ला तहजन

देखो खौफ ना करो गम ना करो क्या मतलब देखो अपना खौफ ना करो कि तुम्हें ही सिपाही पकड़ ले जाएंगे और मूसा का गम ना करो कि हम उन्हें बचा लेंगे तो खौफ असल में अपना होता है गम दूसरों के लिए होता है और यहां उतारा आयत ला तहजन गम हजुन तो यहां अबू बकर सिद्दीक को खौफ नहीं था अपना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा कि आपके लिहाज से कोई आपको नुकसान न पहुंच जाए इसकी मुझे बड़ी फिक्र है तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलासा दे रहे थे कि देखो अल्लाह हमारे साथ है और यह सहाबा की अजमत की दलील है के नबी पर जब मुसाइब आलाम आए उस वक्त सहाबा इस हद तक साथ थे कि अल्लाह तबारक व ताली ने आयत ही में मीत के लफ्ज़ उतार दिया कि ला तहज़न अन नबी ने कहा कि अल्लाह हमारे साथ है लेकिन यही मामला यही कैफियत इसी तरह हज़रत मूसा को पेश आई तो अल्लाह तबारक व ताली ने वहाँ सीख ही बदल दिया जब मूसा सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को ले पहुंचे दरिया नील की तरफ और इधर पीछे से क्या है फ्रोआउन का पूरा लश्कर पहुंच गया सामने दरिया पीछे फिर का लश्कर और ये बदबक चिल्लाने लगे कि इन्ना लमुदरकून हम तो पकड़े गए बासू ने तो ये कहना शुरू कर दिया कि अगर मारना था तो अपने घरों में हमको मार देते यहां दरिया के साहिल पर या और मछलियों का निवाला बनने के लिए क्यों लाए मूसा हजरत मूसा ने जवाब क्या दिया खाला कल्ला हरगज नहीं इन मबी सया दीन मेरा रब मेरे साथ है मुझे रास्ता दिखलाएगा वहां माना नहीं कहा इन बदबकतों के लिहाज से नबी का साथ देने वालों का नाम नहीं आया साफ कह दिया गया कि इन मय रबी मेरे साथ मेरा रब है सै दीन जो मुझे दिखलाएगा सीधी राह लेकिन यहाँ एक यह कैफियत तारी हुई जिसमें सिद्दीक अकबर सात हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि ला तजन इन अल्लाह मई नहीं फरमाया कि इन अल्लाह माना हम सब के साथ है सीगे जमा वहां पर सिर्फ इनफरादी सीगा था तो मालूम हुआ सहाबा की कई मरतबा मदा होगी कुरान के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा मुआजा था हकीकत में कि बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं झुकते तो देख लेते लेकिन अल्लाह ने आंखें पकड़ ली उनकी ये इधर उधर तो देख रहे थे गार के ऊपर खड़े हुए थे पाओ अबू बकर सिद्दीक को नजर आ रहे थे लेकिन अल्लाह अल्ला जब अल्लाह तबारा को वाला जब तय कर दे इनको देखना नहीं है तो कायनात की कोई चीज़ उन्हें दिखा नहीं सकती बिल्कुल ऊपर खड़े हुए लेकिन देख नहीं पाए इधर देखा उधर देखा सब जगह देखा लेकिन नीचे नहीं देख सके लेकिन यह रिवायत जो मशहूर हो गई है कि मकड़ी ने जाला बुन दिया कबूतर ने अंडे अंडे दे दिए फला याद रखिए ये रिवायात सही नहीं है अल्लाह ने महफूज कर दिया बस मसला ख़त्म वहां मकड़ी आके जाला देने की ज़रूरत क्या थी और कबूतर अंडे देने की ज़रूरत क्या थी बस अल्लाह का एक हुक्म के तुम नहीं देख सकते नहीं देखा पूरे के पूरे आके जमा हो गए लेकिन कुछ नहीं हो सका आखिरकार इधर उधर देखे और वापस चले गए जब मामला ठंडा हो गया तलाश की दो रुक गई तीन रोज मुसलसल और बेनतीजा दौड़ धूप के बाद कुरेश के जोश और जज्बात सर्द पड़ गए तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर ने मदीने को निकलने का आज़म फरमायाब्दुल्ला बिन अरीकत ये वो शख्स हैं जिनको रास्ता बताने के लिए किराए पर लिया था हालांकि अभी वो इस्लाम नहीं कबूल किए थे इनकी ईमानदारी पर लेकिन सबको भरोसा था ये वहाँ के रास्तों की और वहाँ के भूल भलेयों को अच्छी तरह जानते थे और मदीने की आम शाहरा को छोड़कर किस तरह अंदरूनी राहों के जरिए मदीना पहुंचाना और वहाँ के सहराई खुफिया रास्ते क्या हैं इन सब के माहिर थे अब्दुल्ला बिन अरीकत लेकिन ईमानदार नहीं होने के बावजूद भी अपने पेशे में ईमानदारी दिखाते थे बावजूद मुसलमान न होने के इन पर क्या है सिद्दीक अकबर ने इन्हीं को किराए पर लिया था और ये जिम्मेदारी दी थी कि तुमको मुझे हमारे साथ आकर मदीना पहुंचाना है और इसकी इतनी कीमत है और इधर पूरे शहर में ढंडोरा पीट रहा था पूरे शहर में ऐलान हो रहा था कि कोई क्या है मुर्दा या जिंदा भी इन दोनों को ले आए तो हम सब उनका इनाम देंगे लेकिन ईमानदारी का यह हाल था कुफर पर रहते हुए अब्दुल्ला बिन अली का कि उन्होंने नहीं बताया कि मुझे मालूम है लोग कहाँ हैं क्योंकि इनको मालूम था लेकिन इन्होंने नहीं बताया जिस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी वादा कर दिया अपने पेशे के एतबार से पैसा तय हो गया और काम तय हो गया हमें गार सौर से निकाल के मदीना पहुंचाना इस ये कीमत इतनी है तुमको आना है बावजूद सब कुछ मालूम होने के उन्होंने किसी को इसकी इतला नहीं दी हालांकि मुसलमान भी नहीं थे तो मालूम हुआ कि हर एक में कुछ ना कुछ अच्छे अफराद होते उन्होंने अपने पेशे पर क्या है इस काम को लिया और इसी पर कायम रहे अब वह वक्त आ गया था कि अब्दुल्ला बिन अरीक़त आ जाए और सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल और हज़रत अब्दुल्ला बिन अरीकत ये निकले मदीने की राह पर अब मदीने की राह में क्या हुआ إن شاء الله رکھوں مجلس تک کے لي إجازة اجازت هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. MSLI TV بدلتی بدلتي کے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادراني إسلام वाजिब्लाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ साथियों लायक एहतराम माओ और बहनों अकीदतमिया के इस सीरीस में अल्लाह तबारक व त फल करम से हम अक़ीदे के असलाह और उसके बिगाड़ और कैसे हमको सही अकदे पर कामजन होना है और बद अक़ीदा फ़ासद अक़ीदे से कैसे हमें इज्तनाब रखना है और उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये चीज़ें किस तरह आई और इससे तदारुक कैसे किया जाए और इसका हल क्या है इन बातों को मैं पेश कर रहा हूँ अल्लाह के करम से किताब और सुन्नत की रोशनी में बेस सुन्नत बस असल सबसे अहम तरीन बुनियाद है किताब सुन्नत और किताब सुन्नत को मनहज सलफ़ के एतबार से मानना क्योंकि वही सबसे पहले समझने वाले थे जिन्होंने डायरेक्ट नबोत के चश्मे से अपने आप को सैराब किया उनके बगैर अपनी अकलों से समझना सरासर गुमराही है और ख़ास कर इस एतबार से बहुत अहम है जिसका आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ऐति बारी के तलुक़ से कि गुजश्तर दर्स में मैंने यहाँ तक बात की थी कि अल्लाह तबारक व ताली वजूद और ज़ात के अतबार से कहाँ है और बदबकतों ने अपनी अकलों के ज़रिए किस तरह हर जगह है इस अकीदे को लाने की कोशिश की और किस तरह की तावीलत पेश की और उसको कैसे आवाम में बहकाया और उसका तदारक कैसे हो मैंने आपके सामने पेश कर दिया लेकिन इस हैसियत से बहुत ही खास अहम अमीक, गहरी बहसें और बाकी हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले अवामी सतह पर भी वो इल देना जरूरी है जो कि आपको बात के जो बहस हैं आपको बात के जो बातें हैं ये जो किस तरह चकमा देते हैं धोखा देते हैं वो बात समझ आए इसके लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अल्लाह के रसूल के सहाबा और तबयीन और तब तबिन ये तीन जगरो गुज़रे हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी जिनको हम सलफ़ कहते हैं जमा उन्हीं को खिताब करके कहा गया है उन्होंने जैसे समझा वैसे समझने में आफ़ियत है बाद के आने वालों ने कैसे समझा खा हाँ वो मुफक्र इस्लाम हो मुदब्बिर हो मुफक्र हो फलाह हो क्या है बेहतरीन अलकाब आप उनके लिए दस दस लाइन लिखते जाए लेकिन हमें परका की भी कोई हैसियत नहीं है उनके कौल की हमको जरूरत भी नहीं हाँ किताब सुन्नत की तइद में तो वमा हक है किताब सुन्नत की तइद नहीं हो रही है और अपने नए नजरियात को लेकर वो कोई बहुत बड़ा अलकाब के साथ भी हमारे पास आए उसकी परका की भी कोई हैसियत किताब सुन्नत के नजदीक नहीं है इस अकीदे को आप अच्छी तरह जमा लेने के बाद अपने दिल में कि अल्लाह की किताब अल्लाह के रसूल की सुन्नत और मनहज साहबा मनहज सलफ सलफ कौन है सलफ तीन गुरोह को कहते हैं सहाबा ताबईन ताब ताबईन क्यों इनको सिर्फ महदूद कर दिए इस वास्ते के अल्लाह के रसूल ने महदूद किया फरमाया कि खैर करनी सबसे बेहतर जमाना मेरा है थुम्मल्दीन एलूनहुं, थुम्मल्दीन एलूनहुं। फिर उसके बाद का फिर उसके बाद काबईन का ताब तब का, का. यहां से अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने हद लगा दी बस इस दौर में जो इस्लाम था जैसे समझा गया वही कियामत तक के लिए इस्लाम है वही समझा जाएगा इसके बाद वाला कोई इस्लाम हमें नहीं चाहिए कोई नजरिया नहीं चाहिए तो इस हैसियत से सबसे पहली बात यह है जो बदबक कहते हैं जो दिखता है वही कायनात अल्लाह है अल्लाह कहां है अल्लाह ही का इनात है कायनात क्या है वही अल्लाह है तब तुम हाँ मेरे अंदर भी अल्लाह है चीज़ों के अंदर भी अल्लाह है हती के बाद बदबकतों ने क्या है जानवरों को और गलाजत में भी अल्लाह कहा आएंगे वाक़ियात आगे आएंगे, आएंगे, आएंगे बिदलायल साबित करूँगा बदबकों ने गलाजत को भी अल्लाह तबारक व तआला ही का नाम दिया और ऐसे भी मौजूद हुए जिन्होंने साफ कहा कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह है मैं ही अल्लाह हूं मंसूर हल्लाज हैं जिसे कत्ल किया गया इस बुनियाद पर वो बातें और तफसील से बाद में आएंगी तो अब सबसे पहली बात यह है कि जब अल्लाह व तआला पूरी कायनात अल्लाह है या यूं समझो कि अल्लाह ही की जात का पर तो साया सब कुछ है तो फिर कुरान में अल्लाह अपने आप को नफ्स के अतबार से क्यों करार दिया जात के अतबार से अल्लाह तबारक व क्यों करार दिया देखिए सूरह आले इमरान सुर नंबर तीन आयत नंबर अट्ठाईस फरमाया वजुमल्लाफस अल्लाह अपनी ज़ात के लिए नफ्स का अतबार से अल्लाह ने अपने वजूद के लिए इस्तेमाल किया है अगर पूरी कायनात होता और अल्लाह तबारा को तआला उसी के अंदर होता तो फिर तो अलग जात नहीं हुई ना अलग जात कह रहा है तो कायनात और अल्लाह की जात दोनों अलग अलग है इसलिए फरमाया अल्लाह तला खुद तुम ही अपनी जात से डरा रहा है नफ्स जैसे हमारे लिए एक नफ्स है वैसे ही रब के लिए भी अल्लाह अपनी जात को अलग कर रहा है कायनात से यह और बात है कि हमारा नफ्स समझ में आने वाली बात है रब का नफ्स समझ में आने वाली बात नहीं है हम इंसान होना समझ में आने वाली बात है रब की जात को समझ में आने वाली बात नहीं है अल्लाह की जात को समझ नहीं सकते तुम तो। लेकिन अल्लाह ने अपने लिए जात के लिए इस्तेमाल किया है नफ्स के लिए इस्तेमाल किया है वही हज़िर को मुल्ला मैं तुम्हें डरा रहा हूं अपनी जात से जबकि कहना तो यह चाहिए था कि मैं कायनात से डरा रहा हूं मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे अंदर भी हूं नहीं कई नहीं है लफ् पर माया के नफ्स इसी वास्ते क्या है जब अल्लाह तबारक व हजर के मैदान में हजरत ईसा अलैहि सलाम से सवाल करेगा वो हिवार मैंने पहले भी पेश कर दिया कि ईसाइयों ने जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला का बेटा बनाया था हजरत ईसा को और माँ बना दिया मरियम को सलाम तो ये दरअसल अल्लाह कल क़ियामत के दिन खड़ा करके पूछेगा अंत कुल तलिन्ना उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह तो उस वक्त इनकार करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में उज़ुर पेश करेंगे अल्लाह मुझे क्या मालूम तो वो उज़ुर कैसे पेश करेंगे फरमाया कि तालमु माफी नफसी वाला आलमु माफी नफसिक अल्लाह मेरे दिल में मेरे नफ्स में जो कुछ है वो सब कुछ तू जानता है तो आलिमुल गई भी शहादा है लेकिन तेरे दिल में जो कुछ है तेरे नफ्स में जो कुछ है वो नहीं जानता नबी सबसे ज्यादा अरब के बारे में मारिफत रखता है जानता है जब नबी कहता है कि नफसिक माफी नफसी वाला आलम माफी नफसिक जो कुछ मेरे अंदर है मेरे नफ्स में है वो तो तू जानता है अल्लाह लेकिन तेरे पास क्या है मैं नहीं जानता इनका अंत अल्लाहयूब तू तो क्या है अल्लाम है तमाम गैबों को जानने वाला है तो यहां पर भी अल्लाह के लिए अलग वजूद इस्तेमाल हुआ है कायनात में जम नहीं है अल्लाह या कायनात जो भी दिख रही है वो अल्लाह का साया नहीं है बल्कि अल्लाह का अपना वजूद अलग मुस्तकिल है जो बदबक़्त ये कहते हैं कि जिसने अल्लाह और मखलूक को दो कहा उसने शिरक किया जो एक कहा वही मुहिद है वही तोहैद है इस तीद पर हज़ारों लात और हज़ारों लानते हैं लानतें वो नहीं है तोहैद तो यह है कि वजूद को अलग दो मानो अल्लाह का वजूद अलग मखलू अलग खालि अलग और इन सूफिया बदबकतों ने वजूद को एक कर दिया कहा कि अल्लाह और खालिक और मालिक और मखलूक कायनत सब मिल के एक है वही तो है इसी वास्ते क़लीमे का माना तक बदला के छोड़ दिया इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह तबारक व अलावा महबूद बरहक कोई नहीं इबादत के लायक कोई नहीं लेकिन इन बदबख्तों ने तर्जुमा ऐसा किया कि ला मौजूद इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा कायनात में कोई मौजूद नहीं है जितना वजूद है सब अल्लाह है खतरनाक तरीन शिरक है अगर इस पर कोई एतकाद रखते हुए मर गया तो याद रखो वो दायमी जहनमी है और जन्नत उस पर हराम है अच्छा अब आगे चलो अपने वजूद का लबा रखो ने दूसरी जगह भी जिक्र किया है मैंने अभी दो जगह बता दी तीसरी जगह सुरह अन आम नंबर छः आयत नंबर छप्पन फरमायाब अला तुम्हारे रब ने रहम करना अपनी जात पर मुकरर कर लिया है लिख लिया है तो मालूम हुआ अल्लाह की ज़ात मखलूक से अलग है और मुराद यह है कि अल्लाह के गुस्से के मुकाबले में इसकी रहमत ज्यादा वसी है एक हदीस में अल्लाह तबार व तआला तखलीक कायनात से फारिग हुआ तो अपने अर्श पर लिखा हदीस के अल्फाज है अपने अर्श पर लिखा नहमति तगलीबोगा वबी इ नहमति तगलीबोगा वबी बेश मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है बुखारी की रिवायत किताबो तोहहीद के अंदर यह हदीस आई है तो यहाँ पर अल्लाह तबारा व तआला ज़ात को अपनी अलग कर रहा है और सिफात की इतला दे रहा है कि मेरे अंदर रहमत है मेरे अंदर गज़ब है अब कोई कहता है कि नहीं जी अल्लाह को क्यों ग़ज़ब क्यों अल्लाह को रहमत अल्लाह गुस्सा करता है का माना यह है कि जहन्नम में डालेगा अल्लाह तबारा को वाले रहम करता है का माना है कि जन्नत देगा यह सिफात में तावील है जो कि किताब सन्नत से बिल्कुल खिलाफ है गुनाह है अब आगे आइए अल्लाह तबारक को चेहरा है चेहरे का अल्लाह ने इस बात किया है तो मानना पड़ेगा अल्लाह को चेहरा है लेकिन कैसा है नहीं मालूम लेकिन अल्लाह अपना तारफ करवाते हुए अपने चेहरे का इजहार किया है रहमान, आयत नंबर ट्वेंटी फॉर माया जुलझलाक्र तो मालूम हुआ अल्लाह तबार को वाला को चेहरा है फरमाया के जमीन में जो कुछ भी है सब फना होने वाला है कोई बाकी रहने वाला नहीं और सिर्फ और सिर्फ बाकी रहने वाली जत जो है तेरे रब की जात है जो अजमत और इज्जत वाली है वो हमेशा से है हमेशा रहे यहाँ पर दो बातें हैं वज की मुराद जात भी है और चेहरे का इस्बात भी है दोनों बातें ऐसे ही मानना है जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इसी तरह चेहरे का जिक्र दूसरी जगह सूरह बकरा में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है एक सौ पंद्रह आयत नंबर वल मशरक आई नज्ला मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह है सिर्फ और सिर्फ तुम बस जिधर भी मुंह करो इधर अल्लाह ही का चेहरा है और इसी तरह फरमाया फ़ुरबा हकमस्कील अल्लाह तबारक व चेहरे का जिक्रूम आयत नंबर थर्टी एट में भी अल्लाह तबारक व फरमाया है फरमाया के फ आतीज़ल क़ुरबा खराबत दारों को उनका हक दो मिसकीन को उनका हक दो मुसाफिर को उनका हक दो क्यों रैली का खैरदीनद वजह ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा चाहते हैं यानी चेहरा देखना चाहते हैं रब क़्यामत में उन लोगों को अपना चेहरा दिखलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे मुबारक का जिक्र है कैसा है ये नहीं मालूम लेकिन है इस पर ईमान लाना वाजिब है और अल्लाह व को के चेहरे का दीदार कियामत के रोज होगा ये भी ईमान लाना जरूरी है जो लोग इनकार करते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है जो इस आयत को रख के ख़ास करते हैं कि ला उदरी कोल अबसार वह उदरी को अबसार निगाहें उसको पा नहीं सकती और वो निगाहों को पा लेता है ये दुनिया के लिए फ़रमाया गया आखिरत में अहल ईमान को अल्लाह तबारक व दीदार ज़रूर नसीब होगा यही असलाफ का अकीदा यही किताब सुन्नत का अकीदा जैसा कि रब फरमा रहा है उजू यौम इज़िन नाज़िरत तला रब्बिहा बिहा बहुत से चेहरे उस दिन खुर्रम होंगे हशाश बशाश होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे जिन बदबकतों ने इनकार किया अल्लाह व तआला रोजे क़ियामत ऐसे बदबकतों को अपने दीदार से महरूम करेगा अल्लाह हमको उनमें से बनाए अल्लाह व तआला जिनको दीदार इलाही नसीब होगा आमीन रब तो इस तरह समझ लीजिए अल्लाह ने अपने चेहरे का इस बात किया है और इसी तरह जात के से अल्लाह तबारक व अपने हाथों का भी इस बात किया है फरमाया आले इमरान नंबर तीन आयत नंबर से रसूल आप कह दीजिए फजल तो अल्लाह ताला ही के हाथ में है जिसे चाहे फजल से नवाजे अल्लाह ताला उसात वाला इल्म वाला है तो अल्लाह का हाथ का इस बात हो रहा है और इसी तरह फरमाया मायदा, सुर नंबर छः आयत नंबर सिक्सटी फ़ोर फरमाया वकालत यह मगलूल वन बिमा कलु बलोनी फरमाया कि यहूदी कहते हैं अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए हैं इन्हीं यहूदियों के हाथ बंधे हुए हैं और इन पर इस कौल की वजह से इस गुस्ताखी की वजह से अल्लाह तबारक व लानत है वालो बिमा कालो और अल्लाह रहा है कि बल यदाह मबसू नहीं अल्लाह तबारक व के हाथ तो खुले हुए हैं युनफिकु कैफ़यशा जैसे चाहता है आलमीन खर्च करता है देता है इसी तरह सुरह मुल्क की आयत नंबर एक में फरमायाबारल्क वलाक़िन कदीर बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में सारी बादशाही है और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है यहाँ पर भी लफ्ज यद इस्तेमाल हुआ है जो हाथ को कहते हैं अल्लाह को हाथ है लेकिन न इंसानों की तरह न किसी और की तरह न इसकी कोई मिसाल का इनात में है वो अल्लाह तबारक व तान के, के मुताबिक अल्लाह को हाथ है हदीस में आया है हजरत अबू हुर रजील्लावायत कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लासम ने फरमाया अल्लाह का हाथ भरा हुआ है रात दिन की सखावत से इसमें कुछ भी कमी नहीं होती और यहाँ तक फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए अल्लाह तबारक व तआला के खजाने और अल्लाह के अता करने का अंदाज़ देखो बदबकतो जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को अता करने वाला मानते हो अपने हबीब के ज़ुबानी सुनो फरमाया क्या तुम्हें इल्म है जिससे जब से इस आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया है तब से लेकर से लेकर जितना खर्च किया इनमें भी आज तक जो हाथ में है उसमें भी एक कमी नहीं हुई कायनात के पैदा करने से लेकर अब तक जितना खर्च हो चुका है वो पूरा खर्च निकलने के बावजूद भी अल्लाह के हाथ में जितना है उसमें भी कमी बाकी नहीं हुई अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में इतना अल्लाह तबार व तआला रखा हुआ है और इतना अता कर रहा है सही बुखारी की किताबो तौहीद के अंदर यह हदीस आई है अल्लाह तबारक व तआला आसमान और जमीन पैदा किए हैं तब से उसने जितना खर्च किया है इस खर्च ने भी इसमें कोई कमी पैदा नहीं की है जो इसके हाथ में है उस रज्जाक को छोड़कर तुम दरगाहों के चौकटों पे सजदा करते हुए मांगते हो शर्म नहीं आती तुम्हें कायनात तुम में उस रब के सामने खड़े होना है याद रखो ये शिर्क पर अगर तुम मर गए तो फिर कभी तुम्हारे लिए जन्नत नहीं मिलेगी दायमी जहन्नम दायमी जहन्नम है इसी तरह फरमाया हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाह यक़बिदु यौम अल क़ियामति व तकूनु समावातु बियमीनिही यकूल अना अल मलिक फरमाया क़ियामत के दिन ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में होगी और आसमान इसके दहने हाथ में होगा फिर वो कहेगा कि मैं हूं बादशाह कहा है वो बादशाह जो इतराते थे अनल मुलूक अनल मलिक रबुल आलमीन का हाथ और उसकी वसात का अंदाजा कोई नहीं कर सकता तमाम के तमाम आसमान अल्लाह के दाहने हाथ में होंगे हत्या कि उसकी तशरी में हज़रत अब्दुल्ल रिवायत कर रहे हैं कि एक यहूदी अल्लाह के रसूल सल्ह वसलम के पास आया और इसने कहा وسلم, कि अय महमदील वसलम कि अल्लाह ताला तमाम आसमानों को एक उंगली पर उठा लेगा और ज़मीन को भी एक उंगली पर और तमाम पहाड़ों को भी एक उंगली पर और तमाम दरख्तों को भी एक उंगली पर और तमाम मखलूक़ात को भी एक उंगली पर और फिर फरमाएगा कि मैं बादशाह हूँ बात सही नहीं है ये पूछने के लिए यहूदी आया था और यह बात ये उसने ताज्जुब से कही थी इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए हत्या के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान दिखाई देने लगे फिर आपने यह आयत पढ़ी वमा क़दर आम आयत नंबर नाइनटी वन इन्होंने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी के कदर करनी चाहिए हज़रत हज़रतः फरमाते हैं कि आप सलील् इस यहूदी की बातों पर तस्दीक करते हुए हंस पड़े यह भी बुखारी की रिवायत है किताबीद के अंदर अल्लाह व तआला का हाथ का इस बात भी है अल्लाह की उंगली का इस बात भी है और वो उंगली कैसे है उसका एक तस्वर उसकी एक वसात का अंदाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह वसल्लम की ये हदीस है जिसमें यहूदी कहता है कि क्या अल्लाह तबारक व तौतों आसमानों को सातों आसमान जिसकी वसात का कोई अंदाजा नहीं है खाली एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला पाँच सौ साल की मुसाफत है और एक आसमान के किनार एक से और दूसरे किनारे तक का फासला सात सौ साल के मुसाफत है ऐसे पूरे आसमानों को अल्लाह एक उंगली पे उठाएगा ज़मीनों को अल्लाह एक उंगली पर पहाड़ों को अल्लाह एक उंगली पर तमाम दरख्तों को अल्लाह एक उंगली पर तमाम मखलूक को अल्लाह एक उंगली पर फिर फरमाएगा मैं बादशाह हूँ अनल मलिक तो अल्लाह के रसूल ने इस बात को साबित किया, इकरार किया गलत नहीं ठहराया इसी तरह अल्लाह तबारक व बाबरकत आँखों का तस्करा कुरान में है फाओनास निल्फुल कभी आयून व व व व व व व हमने की तरफ वही भेजी तो हमारी आँखों के सामने हमारी वही के मुताबिक कश्ती बना तो यहाँ पर आंख का लफ्ज आया है सूरह शुरहन आयत नंबर ट्वेंटी सेवन और इसी तरह फरमाया कभी आयुनीना वला वर्मायाबी आयून और एक वश्ती हमारे आँखों के सामने हमारे वही से तैयार करदा हमारे वही के मुताबिक तैयार करदा बनाओ और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत न करो वो यकीन डूबने वाले हैं सुरहूत आयत नंबर थर्टी सेवन और इसी तरह फरमाया रब्बिक फ़ैन कभी वसब्बिह वमदे रब्बिक ही नकूम सुरत तूर आयत नंबर फोर्टी एट फरमाया कि तू रब के हुक्म के इंतज़ार में सब्र से काम ले बेशक तू हमारी आँखों के सामने है आंख का यहाँ पर भी इस बात हुआ है फिन कभी आयून और सुबह को जब उठो तो अपने रब की पाकी और हम बयान कर और रात को भी इसकी तस्बीह पढ़ हला के रसूल को खिताब करके कहा जा रहा है और इसी तरह तजरीबी आयीना जजा ना को फिर हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती में सवार किया नूसलम को जो हमारी आंखों के सामने चलती थी यहाँ पर भी आंख के इस बात

जितने लोग भी डाले जाएंगे जहन्नम कहेगी कोई और है कोई और है कोई और है कोई और है ना फरमान जब भी जगह खाली है भेजो हलम मजीद हलम मजीद यहां तक कि अल्लाह तबारक को तआला ताला अपना कद में मुबारक रख देंगे तो तब जाके वो कहेगी कत् तो बस 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 अब मैं भर गई हाँ यह हदीस हजरत अनस से रिवायत है और ये सही बुखारी किताब तफसीर के अंदर खासकर काफ़ की जो तफसीर आई है के यौम नकुलजहन्नम हलिम तलत व तकुल मजीद इस तफसीर की आयत को बयान करते हुए इमाम बुखारी अल्लाह यह हदीस लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा ही मरवी उन्हीं से मरवी एक और हदीस अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत और दो ने आपस में बहस की कैसे दोजक ने कहा कि मैं मुतकबरों ालिमों के लिए खास की गई हूँ जन्नत ने कहा कि मुझे क्या हुआ मेरे अंदर सिर्फ़ कमज़ोर और कम रुतबे वाले लोग दाखिल होंगे अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा तू मेरी रहमत है और तेरे ज़रिए मैं अपने बंदों में से जिस पर चाहूँगा रहम करूँगा और दोजक से कहा कि तू अजा है तेरे जरिए मैं अपने बंदों में जिसको चाहूँगा अजाब दूँगा चुनाचे जन्नत और दोजक दोनों भर जाएंगी दो वक्त तो उस वक्त तक नहीं भरेगी जब तक अल्लाह तबारक व ताली अपना क़दम मुबारक इस पर न रख देंगे और फिर वो कहेगी बे गट, गट, बस बस चुनाचे वो भर जाएगी और इसका बाज़ हिस्सा बाज़ दूसरे हिस्से पर चढ़ जाएगा एक दूसरे को ताकुब करते हुए अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से किसी पर जुल्म नहीं करेगा जन्नत को भरने के लिए अल्लाह तबारक व ताली एक नई मखलूक़ को पैदा करेगा अल्लाह की रहमत देखो जहन्नम नहीं भरेगी तो वहाँ पर अपने क़दम मुबारक रखेगा जन्नत नहीं भरेगी तो नई मखलूक़ को पैदा करके उसमें डालेगा जहन्नम के लिए नई मखलूक़ पैदा करके नहीं डालेगा क्योंकि उन्होंने कुछ, कुछ किया ही नहीं गुना तो उनको क्यों डाले तो अल्लाह बड़ा रहीम है तो अल्लाह तबारक को वाला केदम मुबारक का जिक्र आ रहा है और इसी तरह अल्लाह के पिंडी का जिक्र भी आया है कुरान मजीद के अंदर सुरे कलम के अंदर फरमाया कि यूम युकशफو أنساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهاقهم ذلة لقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और लोग सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो काफिर और मुशरिक जो दुनिया में सजदा नहीं करे यहाँ कर न सकेंगे निगाहें नीची होंगी और इस पर जिल्लत तो खारी छा रही होगी हालांकि ये सजदे के लिए दुनिया में बुलाए जाते थे तो ये सही हो सालिम होते हुए भी सजदा नहीं करते थे और उस वक्त चाहेंगे कि सजदा करेंगे लेकिन अल्लाह तबारा को तआला इनके पीठों को तख्ते की तरह बना देगा ये सजदा नहीं कर सकेंगे जब रब की पिंडली खोल दी जाएगी वो क्या शान होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है लेकिन अल्लाह की पिंडली का जिक्र कुरान में आया है और हज़रत अबू सईद खुद ही फरमाते हैं कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे हमारा परवरदिगार क़ियामत के दिन अपनी पिंडली खोल देगा इस वक्त तमाम मोमिन मर्द और मोमिना औरतें इसके लिए रेज हो जाएंगे सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जो दुनिया में शोहरत और नामोरी के लिए सजदा करते थे जब वो सजदा करना चाहेंगे तो इनकी पीठ तख्ते की तरह बन जाएगी अभी मैंने जो हदीस बयान की है उसमें साफ व लफ्ज आ गया जो मैंने आपको बयान किया ये भी सही बुखारी के अंदर आने वाली रिवायत है तो अल्लाह तबारक व चेहरे का इस बात किया अपने कदम मुबारक का इस बात किया अपने आंख का इस बात किया अपने हाथ का इस बात किया है तो जिन जिन बातों को अल्लाह ने अपने लिए साबित किया उनको वैसा ही मानना जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है बस ना तावील करना ना तहरीफ करना ना अपने अकल से इनकार करना ना कैफियत बयान करना ये शनवान और आगे जाएगा तसलसल के साथ देखते रहिएगा एम एसल लाइव टी वी सब्सक्राइब कीजिए लोगों को दावत दीजिए लोगों को नशर कीजिए हमारे इस मिशन में हिस्सा लीजिए هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.